नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और आज है 3 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई का करंट अफेयर्स। इसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मध्य प्रदेश की जो नवीन गवर्नमेंट है उसको आए हुए लगभग 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन जिसका नारा दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेवा समर्पण और विश्वास के, मध्य प्रदेश सरकार के 100 दिन। चलिए शुरुआत करते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की। इस करंट अफेयर्स को शुरू करने के पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमने मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि जून माह के काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, नहीं तो आप चैनल पर जाकर सीधे उसे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम पर विशेष रेडियो प्रसारण कब से शुरू होने जा रहा है। यह जो कार्यक्रम है काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, इसका नाम रखा गया है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम। यह कब से शुरू होने जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने है 4 जुलाई 2020। जी हाँ, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम यह विशेष रेडियो प्रसारण है जो कि 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण मध्य प्रदेश के जो स्कूल्स हैं वो कब तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, मैंने लास्ट करंट अफेयर्स में आपको बताया था 31 जुलाई तक। जी हाँ, 31 जुलाई तक यह बंद रहेंगे, इसीलिए जो बच्चे हैं उनकी जो तैयारी वो रुके ना, इसलिए अभिभावकों के माध्यम से घर पर ही कराई जाएगी तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यह शुरू किया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। इसके तहत घर को ही विद्यालय का स्वरूप दे दिया गया है तथा जिससे बच्चों की लर्निंग ना रुके। तो यह कब से शुरू है रेडियो प्रसारण, इसका 4 जुलाई 2020 से। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जुलाई में काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम शुरू हुए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि 1 जुलाई से क्या शुरू हुआ है, किल कोरोना अभियान। यह कहाँ से शुरू हुआ है, भोपाल से यह शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जाएगा। इसमें 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लगभग 2.5 लाख से 3 लाख कोरोना के सैंपल ले लिए जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष सुरक्षा किस योजना के अंतर्गत दी गई है। जी हाँ, विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, और यह सुरक्षा किस योजना के अंतर्गत दी गई है। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना, संबल योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना। जी हाँ, यह मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया है आंगनवाड़ी आशा वर्कर एवं कार्यकर्ताओं को, इसलिए उन्हीं के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना। आप काफ़ी अच्छे से इसको दिमाग में सेट करके रखिए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इसी से रिलेटिव है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ही रिलेटिव है और इसी योजना से रिलेटिव है, जो योद्धा कोरोना योजना है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। यह स्वास्थ्य बीमा कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत ही दिया गया है। आपके ऑप्शन है 50 लाख रुपये का, 1 करोड़ का, निर्धारित नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 50 लाख रुपये का कोरोना बीमा, स्वास्थ्य बीमा दिया गया है कोरोना योद्धा योजना के तहत। जी हाँ, 50 लाख रुपए का आंगनवाड़ी वर्कर्स को यह दिया गया है। जैसा कि एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन और बनता है कि हेलो जो सखी करके एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटिव है, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी मुख्य सचिव द्वारा। यह 4 जुलाई को शुरू किया गया है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो कि इसी से रिलेटेड है। हम इसमें डीपली रूप से देखेंगे क्या क्या योजना है, क्या लाभ मिल रहे हैं इसमें कोरोना योद्धा के तहत। तो मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना इसका नाम है, जैसा कि हमने देखा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी इसके अंतर्गत। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा योजना के अंतर्गत दी गई आर्थिक सुरक्षा। इसके तहत कोविड 19 की रोकथाम में जुटे कितने 1,00,000, यहाँ पर यह पॉइंट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें लगे हैं? लगभग 1,00,000 कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। इनको 50,00,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, वो भी किस योजना के तहत? कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन महिलाओं से संबंधित है। महिला स्व सहायता समूह ने ताजा सब्जी उपलब्ध कराने के लिए कौन सी दुकानों का संचालन किया गया है? यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त महिला स्व सहायता समूह है, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान ताजा सब्जी एवं फल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी दुकानों का जो संचालन किया जा रहा है? आजीविका दुकान, आजीविका फ्लैश दुकान, आजीविका फ्रेश दुकान, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर आजीविका फ्रेश दुकान, ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आजीविका फ्रेश दुकान संचालित की जा रही है। इसी के साथ साथ महिला स्व सहायता समूह से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आते हैं वह भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराना चाहूँगा। जैसे कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो योजना शुरू हुई थी, महिलाओं को मास्क बनाने से संबंधित योजना थी, जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। यह योजना महिलाओं को मास्क निर्माण में मदद की गई। इससे दो काम हुए, एक तो महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति हुई तथा दूसरा कार्य यह हुआ कि जो मास्क की उपलब्धता थी वह भी आराम से कंप्लीट हो गई। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने कल सवाल पूछा था, यह भी अगेन महिलाओं से संबंधित है। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से सवाल पूछा था, कल का सवाल है, उसका उत्तर आज हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। मैंने सवाल पूछा था कि निष्ठा मित्र योजना का संबंध किससे है, तो यहाँ पर देखिए आप, निष्ठा मित्र योजना का संबंध महिलाओं से है कि ऐसे स्व सहायता समूहों से है? ऐसे स्व सहायता समूह का गठन करना है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली चोरी होती है उसको पकड़ने में मदद करेंगे। इससे दो कार्य होंगे, एक तो महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी तथा सेकंड ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली चोरी होती है उस समस्या से निदान भी काफ़ी हद तक मिलेगा। तो ये अगेन एक और योजना महिलाओं से संबंधित, क्या नाम है इसका? निष्ठा मित्र योजना। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट टोटल बिजली का उत्पादन होता है? तो लगभग 21,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, और इसके उपयोग कितना करता है? मात्र 16,000, और बाकी का अन्य राज्यों को बेच देता है। यह जो निष्ठा मित्र योजना है यह भी बिजली विभाग से संबंधित है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज बिजली विभाग से संबंधित है जिसको मैं यहां पर आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बिजली शिकायत के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उपाय ऐप। जी हाँ, उपाय ऐप लॉन्च किया गया है बिजली की समस्याओं के समाधान हेतु। चलिए आते हैं हमारा आज के सवाल पर। प्लीज़ आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही अर्थों में मेरा करंट अफेयर्स सही लगता है, मैं ये नहीं कहता आप शेयर करिए, आप सब्सक्राइब मत करिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, बट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर, क्योंकि ये आप ही के लिए काफ़ी अधिक अच्छा है। तो हमारा आज का सवाल है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी मेमोरी भी शार्प हो। चलिए आते हैं जिस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट एग्जीएस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज का हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने, यह है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। बीच में अशोक स्तंभ है राजा अशोक द्वारा, इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और यहाँ पर बीच में जो बरगद का पेड़ है यह भी लगा हुआ है। यहाँ पर स्तूप कितने हैं? 24 स्तूप बने हुए हैं। अंदर व्रत में मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसी व्रत में गेहूँ और धान की बालियाँ बनी हुई हैं, जो कि मध्य प्रदेश के धन धान्य की संपदा का क्या है? प्रतीक है। केंद्रीय व्रत में एक बरगद के सामने अशोक स्तंभ बना हुआ है, और यह कब जारी किए गए थे? राज्य की 25वीं वर्षगांठ थी, यह कब थी? 1981 में। जी हाँ, 1981 में यह जो राजकीय पशु पक्षी जो भी जितने राजकीय
जो सिंबल्स हैं ये लॉन्च कब किए गए थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 25वीं सालगिरह पर राज्य की और 1981 में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।